दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय गेट आईओ एक्सचेंज। दोस्तों ये वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को सेल एंड दोस्तों बाय कर सकती हो। यहां पर यदि आप साइन अप करती हो तो आपको मिलेगा $100 का बोनस जो आप यहां पर यूज कर सकती हो। इस एक्सचेंज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें और यहाँ पर जो अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकती हो गेट आईओ एक्सचेंज पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ बिग अपडेट एंड दोस्तों बिग न्यूज़ के बारे में। आपको 2022 में कॉइन से कॉइन में जो अपना पैसा निवेश करना चाहिए कि इन फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो मिल सके, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखें NDTV इंडिया की जो खास न्यूज है आज की, तो यहाँ पर दोस्तों इस न्यूज को आप देखें और समझें कि आने वाले फ्यूचर में आपको क्या प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले हेडलाइंस है, क्रिप्टो से कमाई पर जो टैक्स लगाना नहीं होना चाहिए प्रमुख एजेंडा। दोस्तों यहाँ पर जो क्रिप्टो से जो अर्निंग हो रही है इस पर दोस्तों जो टैक्स लगाना मतलब एक लीगल तो है, लेकिन दोस्तों इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस वो होना चाहिए कि दोस्तों जिस तरीके से इसका मिसयूजिंग हो रहा है क्रिप्टो का, उस पर रोक लगनी चाहिए। दोस्तों जो टैक्स है वो तो जो लोग हैं वो देंगे ही। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर अभी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गैजेट्स दोस्तों, यहाँ पर 360 यूनो कॉइन के कोफाउंडर से बातचीत चल रही है। यहाँ पर देखिए क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के साथ एक नई घटना हुई है जहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पर देखिए क्रिप्टो प्लेयर्स के साथ निष्पक्ष नीतियों की वकालत कर रही हैं जो साध्विक है दोस्तों यहाँ पर। और दुनिया के सबसे बड़े जो क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस एक्सचेंज है भारत में जो सर्विस शुरू करने के लिए जूझना पड़ा था दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो देश में UPI बैड जो क्रिप्टो खरीदारी सुविधा शुरू करने के लिए कुछ दिनों का कॉइनबेस सस्पेंस कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नीज है वो यहाँ पर है, देखिए कॉइनबेस एक्सचेंज ने यहाँ पर जो UPI सेवा है वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके जो पहली न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर दोस्तों दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ खास जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने पकड़ी रफ्तार, जो टेरा लूना अभी भी वध हाल दोस्तों। यहाँ पर टेरा लूना की जो कीमतें हैं वो काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने के लिए मिली थी, और यहाँ पर देखिए अभी भी इसकी जो कीमत है वो डाउन में है। तो दोस्तों मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप टेरा लूना कॉइन में जो अपना पैसा है वो निवेश करें। और दोस्तों जिन लोगों ने टेरा लूना कॉइन में अपना जो पैसा है वो निवेश किया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैंने टेरा लूना कॉइन में इतना अपना जो पैसा है वो गंवाया है, क्योंकि दोस्तों टेरा लूना बहुत ही तेज़ी से क्रैश हुआ और अभी दोस्तों रिकवर लेने का नाम नहीं दिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटा अमाउंट आप टेरा लूना में लगा सकती हो और इन फ्यूचर में यदि इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा तो आपको काफ़ी जो प्रॉफिट है वो आपको मिल सकता है। दोस्तों आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो आप स्वयं की रिस्क पर, और जहां पर दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहां पर ज़्यादा रिस्क होता है, और जहां पर ज़्यादा रिस्क होता है वहां पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ें हैं। और यहां पर देखिए बात करेंगे हम स्टेबल कॉइन्स की वापसी पटरी पर आना शुरू हो गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेबल जो कॉइन थे हमारे दोस्तों टेरा लूना की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए पटरी पर दोस्तों वापस आना शुरू हो गए। दोस्तों इतनी जल्दी नहीं आएगा टेरा लूना को जो प्राइस पॉइंट है। यहाँ पर देखिए USDT कॉइन की बात करें और यहाँ पर बाइनेंस USD की बात करें तो अच्छी शुरुआत रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए डॉज कॉइन और शिबा इनू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मुनाफा दर्ज किया गया है दोस्तों यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर डॉज कॉइन और शिबा इनू ने भी काफ़ी रफ्तार पकड़ी है मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी आपको काफ़ी जो परफॉर्मेंस है मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दोस्तों 25 लाख रुपए के समथिंग दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इन फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए तीसरी न्यूज के बारे में बात करेंगे, चीन की हाई कोर्ट ने बिटकॉइन को माना वर्चुअल एसेट, कही यह बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस फैसले से चीन क्रिप्टो से जो जुड़े लोगों को राहत मिली है, और यह मामला बिटकॉइन लोन की रिकवरी से जुड़ा था। और यहाँ पर देखिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने डिजिटल युआन का ट्रायल शुरू किया है। और यहाँ पर दोस्तों जो कि यहाँ पर एक एसेट्स के तौर पर ये चाइना जो क्रिप्टो करेंसी को देख रही है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है और इन फ्यूचर में आपको क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जो न्यूज़ हैं वो देखने के लिए मिलेगी और मार्केट भी पंप करेगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी पैनिक में आकर जो अपनी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनको सेल आउट नहीं करना है, और दोस्तों आपको पेशेंस बना के रखना है और आपको इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ खास न्यूज आज के दोस्तों, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर, इसी तरह के क्रिप्टो वीडियो देखने के लिए।